ओहो, तो क्या कर रहे? आई एम सॉरी कि इतने दिनों के बाद आज ही वीडियो बना रहे हो, क्योंकि रीज़न ये है कि आपको भी पता होगा अभी सबके एग्ज़ाम्स होना शुरू हो गए। तो यार मेरे भी एग्ज़ाम थे, इसके लिए मैं अंदर वीडियोस नहीं बना पा रहा था क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होता था। आपको पता है कि एग्ज़ाम आती है तो थोड़ा बहुत टेंशन रहता ही है। तो अभी आती है मेन टॉपिक पे कि आपने थंबनेल और टाइटल तो देखा होगा। हाँ जी, आज मैं उनके लिए वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि जो लोग सच में जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी बॉडी जो है फिटनेस में रखना चाहते हैं, पर वो जिम ज्वाइन नहीं कर पाते और लॉकडाउन में आधे लोग तो घर पे ही बैठे हैं और जिम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो आज मैं आपको घर पे प्लेट्स कैसे बनाएं वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, कि आपको क्या क्या सामग्री लगेगी और आपको कितने दिन क्या क्या करना है। आज मैं 4 प्लेट्स बनाने वाला हूँ, पर मैं आज आपको एक की ही प्रोसेसिंग बता दूंगा, आप सेम प्रोसेसिंग दूसरे प्लेट्स में कर लीजिएगा। तो हाँ जी दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनाल और आप देख रहे हैं मनाल ट्यूबर। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी प्लेट बनाने के लिए आपको क्या क्या सामग्री लगेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लगेगा ऑयल। तो ऑयल किस लिए की? आपको ये ऑयल जो है आपको इस प्लेट में बाजू से लगाने का है, क्योंकि ये सीमेंट सूखने के बाद आपकी जो प्लेट है वो आसानी से बाहर निकले। उसके बाद आपको लगेगा स्टोन, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो स्टोन होते हैं वो आपको लेना है। ये स्टोन लेने के बाद आपको और एक चीज़ लगेगी जो है सॉइल, जो अपनी समुंदर की रेती होती है वो लगेगी। उसके बाद आपको लगेगा सीमेंट, जो मेन है वो सीमेंट लगेगा। उसके बाद आपको लगेगा ऐसा आपके घर में कुछ भी प्लेट रहेगा तो आपको वो लेना है। उसके बाद आप ये मेरे हाथ में देख सकते हो ये जो तार है वो इसके लिए, क्योंकि आपको मतलब आप जब भी प्लेट में ये डालेंगे ना सीमेंट के अंदर, तो आपकी जो प्लेट है वो मजबूत और टिकाऊ बनेगी। और उसके बाद आप मेरे हाथ में देख सकते हो ये है PUC पाइप, इसके अंदर मैंने स्पंज डाला है क्योंकि इसके अंदर सीमेंट ना जाए। इसके लिए प्रोसेसिंग क्या है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बता दूंगा, आप वीडियो इन तक देखो। उसके बाद आपको लगेगा ये रॉड, ये रॉड इसलिए कि प्लेट बनाने के बाद ये रॉड के अंदर हम प्लेट डालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया ये PUC पाइप किसके लिए, आप प्रोसेसिंग देखो, वीडियो इन तक देखो, आपको समझ आएगा। उसके बाद मेन आपको लगेगा वाटर। तो अभी प्लेट की जो सामग्री है वो मैंने आपको बता दिए कि आपको क्या क्या लगेगा। और अभी प्रोसेसिंग, तो आपकी प्रोसेसिंग मेन है कि आपको किस तरह से क्या क्या करना है। तो यार वीडियो इन तक देखो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आप देखो, आपको तभी समझ आएगा। वीडियो इन तक देखो, स्किप मत करना।
तो जैसे कि आपने प्रोसेसिंग देखा होगा तो अपना प्लेट अभी रेडी हो चुका है। तो इसको सूखने के लिए एक दिन जाएगा, पर आपको दो दिन इसको सूखने के लिए रखना है, मतलब 48 आवर्स तक रखना है, क्योंकि ताकि ये मजबूत बने और अच्छा सूख जाए। इसलिए तो ये प्लेट और हम और एक प्लेट बनाने वाले हैं, तो ये वीडियो बनाने के लिए अभी 4-5 दिन जाएंगे, क्योंकि ये प्लेट सूखने में 2 दिन लगेंगे, क्योंकि और ये जो आप देख सकते हो इसका ही हम दूसरे प्लेट के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये सूखने के बाद हम दूसरा प्लेट बनाएंगे। तो यार दूसरा प्लेट बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि प्लेट कैसी बनी है। तो जैसे कि मैं 4 दिनों के बाद वापस आया हूँ और अपने प्लेट्स भी रेडी है, मैं आपको प्लेट्स दिखाने वाला हूँ। उसके पहले आपको प्लेट्स डालने के लिए एक रॉड की ज़रूरत तो लगेगी, तो रॉड में आपको एक प्रोसेसिंग करनी होगी। जैसे कि आप जब भी आप प्लेट्स बना रहे हो तो आपको रॉड में है ना, हमने देखो क्या किया है कि हमने एक साइड में 3 ड्रिल किए। 3 ड्रिल क्यों मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये साइड में 3 ड्रिल मारे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3, और ये साइड में आप देख सकते हैं 1, 2, 3 ड्रिल हमने किए। तो 3 ड्रिल किस लिए, तो देखो ये आपका जो हमने इसमें नट एंड बोल्ट का इस्तेमाल किया है, तो आपको क्या करना है, ये आपका फिक्स रहेगा। आप एक्स्ट्रा प्लेट्स डलवाना चाहते हो इसमें और हेवी करना चाहते हो, जो हमने अभी प्लेट्स बनाए हैं वो एक 15 किलो का बनाए और भी हमारा प्रोसेसिंग चालू है, दूसरा प्लेट्स हम 5 या 10 किलो का बनाने वाले हैं अभी। तो देखो आप इसमें एक 15 किलो का प्लेट डाल सकते हो और हेवी मारना चाहते हो, तो आप इधर एक साइड में और एक्स्ट्रा प्लेट डाल सकते हो। इसलिए हमने 3 एक साइड में 3 इधर रिलिंग किए, तो आपके हिसाब से आप कर सकते हो। और आप घर पे जब भी प्लेट्स बनाओगे तो आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ मेरे हिसाब से कि देखो हमारी एक प्लेट जो बनी है वो है 15 किलो की, एक प्लेट बनी है और दूसरी प्लेट 15 किलो की, मतलब दोनों मिलके कुल मिलके हो गए 30 kg। ओके, तो हमने एक प्लेट के लिए हमको 4 किलो सीमेंट लगा और दूसरे प्लेट के लिए 4 किलो, तो आपको 2 प्लेट मिलके आपको 8 किलो का सीमेंट लगेगा, और स्टोन्स और रेतू तो आपको इधर से उधर से मिलेगी, तो उसका खर्चा आपको नहीं आएगा। तो आपको 60-70-80 रुपये खर्चा आएगा सिर्फ प्लेट बनाने के लिए, बस आपको रॉड की ज़रूरत पड़ेगी। और हमने घर पर डम्बेल्स भी बनाए हैं, और एक 5 kg के डंबल्स है 2, और 2 9 kg के डंबल्स है, वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। उसके पहले अपन देखते हैं कि प्लेट्स कैसे बने। जैसे कि हमने रॉड में अभी प्लेट्स डाले हैं, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ सिर्फ कि हमने ये फिक्स करने के लिए हमने एक बोल का इस्तेमाल किया है, तो मैं आपको सिर्फ वो दिखाने वाला हूँ। देखो आपको इसमें सिर्फ फिक्स करने के लिए, ये मूवेबल बोल्ट होगा आपका, तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, और जो इस साइड में जो बोल्ट है ना ये साइड में, तो आपको वो फिक्स ही रहने देना है, और ये सिर्फ आपको मूवेबल बोल्ट है, आप वो निकाल भी सकते हैं। तो अभी ये फिक्स हो गया, हिलेगा नहीं। ओके, तो अभी आप देख सकते हो अपनी प्लेट्स रेडी है, एकदम फिक्स किया है इसमें, तो आप एकदम हेवी वर्कआउट भी मार सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो कि हमने खुद घर पे डंबल्स और प्लेट्स अभी बनाए हैं। ये हमारे डंबल्स हैं 5 kg के, ये हमारे डंबल्स हैं 9 kg के, और ये कुल मिलके 2 प्लेट मिलके हो गई 30 kg की प्लेट, और हम अभी 10 किलो की प्लेट्स भी बना रहे हैं, वर्किंग शुरू है। तो आप भी ऐसे घर पे जिम का सामग्री बना सकते हो, खुद बना सकते हो, और आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और फिट रह सकते हो। तो फाइनली यार वीडियो बन चुका है, और मैंने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको कवर करके सब कुछ बताया कि घर पे प्लेट्स कैसे बनाए, और ये वीडियो बनाने के लिए मुझे 6 दिन लगे और बहुत मेहनत लगी है। तो यार एक मेहनत के लिए यार एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ यार मैं लाइक का एम रखता हूँ 50 लाइक्स, ज़्यादा नहीं रखता हूँ,
50 के ऊपर लाइक करवा दो यार, और आप मेरा चैनल देखो, आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे पहले आए। होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मेरे चैनल पे आपको एक ही कैटेगरी का वीडियोज़ नहीं देखने को मिलेंगे, अलग अलग कैटेगरीज के वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पर रोस्टिंग भी करता हूँ, तो और अभी मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉगिंग भी शुरू करूँ, तो यार देखते क्या होता है। और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।